हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज यहाँ वियतनाम की जो करेंसी है वो दिखाता हूँ और कैसे नोट है यहाँ के वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अलग अलग नोट है, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000, 1 लाख एंड 5 लाख, ये सारे नोट यहाँ पे चलते हैं। अगर इनकी वैल्यू निकालनी है तो अपना जो 323 रुपये होता है, सॉरी इनका जो 323 डोंग होता है वो अपना 1 रुपये होता है। तो अगर आपको 1000 रुपये की इंडियन करेंसी निकालनी है तो आप 1000 रुपये को डिवाइड कर दीजिए 323 रुपये से, तो आपको ये इंडिया के 3 रुपये हैं। ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं वैल्यू सबकी। अगर आपको सपोज़ 5000 रुपये की वैल्यू निकालनी है, 5000 को आप डिवाइड कर दीजिए 323 रुपये से, तो ये 15 रुपये का नोट है ये वाला 5000 वाला। इसी तरह आपको अगर 50000 की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड कर दीजिए 323 से। जो अभी करंट रेट चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ऊपर नीचे भी होता रहता है रेट। तो ये जो नोट है ये 154 रुपये का है, और सबसे बड़ा नोट जो है 5 लाख रुपये का है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 5 लाख, ठीक है, इसको अगर आप 323 से डिवाइड कर देंगे तो ये नोट जो है ये 1547 रुपये का है इंडिया के हिसाब से। इंडिया की करेंसी के लिए ये 1547 रुपये का है। आपको सभी नोट मैंने दिखा दिए, इससे आपको हेल्प होगी काउंटिंग करने में एंड नोट को समझने में। रेट लिखे हैं आप, अगर इसको 320 से डिवाइड कर देंगे तो आपको इंडियन रुपीस पता चल जाएगा कितने का है लगभग। ये रेट है वियतनाम में, सपोज जैसे आप पनीर बटर मसाला ऑर्डर करते हैं तो वो कितने का पड़ेगा, 90,000 को डिवाइड कर दिए 320 से,